अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी फ्रूट सैलड, और यू आल्सो कैन से रेनबो फ्रूट सैलड की रेसिपी अभी बताऊंगी, और ये आप इफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी घर में बना सकते हैं। इट्स डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए एप्पल्स हैं और एवोकाडोस हैं, और कुछ मैंने इसके लिए लोकाट ली हैं, मोर बनानास हैं और ग्रेप्स हैं, प्लम्स हैं, और इसकी मिक्सिंग के लिए बाद में थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। एक टू ऑरेंजेस हैं, उनके जूस ने मैंने निकाल लिया है, और एक लेमन का जूस स्क्वीज किया है और मैंने एक ग्लास में रखा है, और ब्लैक पेपर है, और मुझे चाहिए होंगे थोड़े से सीड्स चाहिए होंगे, मिक्स सीड्स, और एक कैन मैं इसके अंदर डालूंगी चिक पीस का, और ये इट्स रियली अ गेम चेंजर इन दिस रेसिपी। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। एप्पल्स डालेंगे मिक्सिंग बाउल में। लेट्स मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम एप्पल्स डाल देंगे बाउल के अंदर, फिर इसके अंदर एवोकाडोस डालेंगे, फिर इसमें लोकाट डाल देंगे, ग्रेप्स डालेंगे, ग्रेप्स को अच्छी तरह वॉश करके इसको कट कर लें, फ्रूट अच्छी तरह पीसेस में कट होना चाहिए और अच्छी तरह वॉश होना चाहिए। अब एप्पल के बाद और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब ये मैं बनानास डाल रही हूँ, और ये प्लम्स डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें चिक पीस ऐड करेंगे, इट विल गिव अ प्रोटीन टच टू द सैलड और इसके न्यूट्रिशन को बढ़ा देगा। गिव इट अ मिक्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जूस है, इसमें टू ऑरेंजेस और वन लेमन स्क्वीज किया हुआ है, इसके अंदर अब मैं डालूंगी ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, एंड लजीजा चाट फ्रूट चाट मिक्स, और ये इट इज़ टोटली अप टू यू अगर आप डालना चाहते हैं या नहीं, अदरवाइज ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर इज मोर देन इनफ। इसको भी आप एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आई थिंक वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा शुगर बिकॉज फ्रूट ऑल्सो हैज देयर ओन शुगर्स, सो वी डोंट नीड टू ऐड ऑन एक्स्ट्रा कैलोरीज। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टू ऑरेंजेस और वन लेमन स्क्वीज किया है इसके अंदर मैंने, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर और लजीजा चाट मिक्स थोड़ा सा मिक्स किया, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप इस सारे को इसके अंदर ऐड कर देंगे। एंड देन वी विल मिक्स इट। और लास्ट में इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाने के लिए सीड्स डालेंगे, सो इट्स हेल्थी न्यूट्रिशियस रेसिपी फॉर योर इफ्तार्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टेल योर कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड देम।